दोस्तों आने वाले समय में पीजी का एग्जाम बंद हो जाएगा और एमबीबीएस के फाइनल ईयर में नेक्स्ट एग्जाम होगा, उसी के स्कोर पर आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा। वो अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि ये किस बिल के अंडर ये प्रावधान है और कैसे कैसे इसकी स्टोरी है, पूरी इस बिल के बारे में मैं बताऊंगा और कैसे कैसे आपके लिए एमबीबीएस अच्छे कॉलेज में करना कितना लाभदायक है। तो दोस्तों 2017 में बीजेपी सरकार द्वारा एनएमसी बिल तैयार किया गया था जिसको नेशनल कमीशन बिल कहा गया था। यह बिल मेडिकल से संबंधित था, इसमें कुछ इस प्रकार से प्रावधान थे। पहले जो एमसीआई हुआ करती थी उसकी जगह एक कमेटी काम करेगी जिसमें 25 मेंबर होंगे। मैं आपको यहां बता दूं कि एमसीआई को सुपरसीड कर दिया गया है और उसकी जगह एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स काम कर रहा है जिसकी अवधि 2 साल की है। इसमें दूसरा प्रावधान ये रखा गया था कि एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद एक नेशनल लेवल का एग्जाम हो जिसे नेक्स्ट नाम दिया गया। इस एग्जाम में देश भर के एमबीबीएस स्टूडेंट ने काफी अपोज किया था। तीसरा प्रावधान यह था कि बीएमएस से ब्रिज कोर्स करवा के मेडिसिन लिखने की अनुमति, इसके लिए देश भर में भी काफी डॉक्टर ने इसका विरोध किया गया था। तो ये तो थी 2017 की स्टोरी एनएमसी बिल के बारे में। दोस्तों कैबिनेट ने इस एनएमसी बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसको 2017 दिसंबर में लोकसभा में रखा गया था। डॉक्टर व स्टूडेंट के अपोजिशन को देखते हुए इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा इस बिल में प्रॉपर रीड करने के बाद कुछ इस प्रकार से अमेंडमेंट किए गए थे। इसमें पहला अमेंडमेंट ये था कि एमबीबीएस के बाद नेशनल लेवल की एग्जाम की तरह एग्जिट एग्जाम हो, एमबीबीएस के लास्ट ईयर की एग्जाम एक पूरी नेशनल लेवल की एग्जाम न होकर सेंट्रली एग्जाम हो, यानी इस एग्जाम को यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाया जाए लेकिन सेंटर द्वारा करवाया जाए। इसके बाद दूसरा इसमें प्रावधान ये था कि ब्रिज कोर्स स्टेट को दे दिया जाए, जो स्टेट ब्रिज कोर्स करवाना चाहते हैं वो अपने लेवल पर ब्रिज कोर्स करवाएं। तो दोस्तों इस प्रकार के अमेंडमेंट के साथ स्टैंडिंग कमेटी ने गवर्नमेंट को ये बिल वापस कर दिया था। अभी इसमें सरकार यह अमेंडमेंट करने जा रही है इसमें कि एमबीबीएस का जो फाइनल ईयर है उसके साथ में एक एग्जाम कंडक्ट होगी, वो सेंट्रली एग्जाम होगी और उसी एग्जाम में पास होने के बाद स्टूडेंट को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और उसे एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। इस एग्जाम में जो स्कोर आएगा वो उसके लिए मेरिट के अनुसार पीजी में एडमिशन होगा, पीजी के लिए कोई एग्जाम अलग से कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये बिल अभी कैबिनेट में पास होना है, जैसे ही ये कैबिनेट में पास हो जाता है फिर उसके बाद में लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद में इसको लागू कर दिया जाएगा। तो अभी ये आने वाले समय में ऐसा हो रहा है कि जो आप एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएगी। और इसमें मैं आपको ये एक और बता देता हूं कि इसमें वो स्टूडेंट भी आ जाएंगे जो एब्रॉड से तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम भी आपके साथ ही होगा। जो इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके साथ एब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे स्टूडेंट का जो अभी एफएमजी टेस्ट होता है, उनका एफएमजी टेस्ट नहीं होगा। यहाँ की गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों की एमबीबीएस के लास्ट ईयर के एग्जाम के साथ उनका भी एग्जाम होगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जो एमबीबीएस कर रहे हैं उसके लिए कॉलेज चुन रहे हैं, अच्छी कॉलेज चुने, नए कॉलेज की बजाय आप पुराने कॉलेजों में एडमिशन लें। उससे आपको एक फायदा होगा कि आपका एमबीबीएस अच्छा हो जाएगा और आपको पीजी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा स्कोर होगा एमबीबीएस में तो पीजी के लिए आपका ऑटोमेटिक एडमिशन हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आपके पास अभी मौका है, अच्छी कॉलेज चुने, जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, पुरानी कॉलेजें हैं वो चुने और जहां तक हो सके ऑल इंडिया कोटा की सीट लें। ऑल इंडिया कोटा की सीट लेने से आपको काफी फायदे होंगे, मैं हर वीडियो में ऐसे बताता आ रहा हूं, तो आप वो वीडियो देख लें। तो दोस्तों ये जानकारी थी एनएमसी बिल के बारे में और पीजी एग्जाम के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।